महाराजगंज महोत्सव का आगाज हो गया है। मंगलवार को महाराजगंज महोत्सव के रंगमंच पर जहां कला, साहित्य, संस्कृति व लोक नृत्य के साथ विज्ञान से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का संगम होगा। स्काई वॉचिंग के बच्चे महोत्सव और महोत्सव स्थल से ही दिन में तारे देख सकेंगे, उन्हें नक्षत्र का भी दर्शन कराया जाएगा। महोत्सव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने दैनिक भास्कर महाराजगंज संवाददाता को बताया कि महोत्सव में वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा, जिससे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो सके। तारामंडल गोरखपुर के सहयोग से मोबाइल प्लेनेटोरियम के माध्यम से बच्चों को नक्षत्र दर्शन भी कराए जाएंगे। आकर्षण का केंद्र बनेगा ये कार्यक्रम। है कि जनपद महाराजगंज का स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में महाराजगंज महोत्सव का चौथा अध्याय हम लोग इस वर्ष 1, 2, 3 अक्टूबर 2024 को मना रहे हैं। 1 अक्टूबर का इसका शुभारंभ महाराजगंज मैराथन के द्वारा किया जाएगा और 3 तारीख को सायंकाल 4 बजे इसका समापन किया जाएगा। जनपद महाराजगंज के महाराजगंज महोत्सव के मुख्य आकर्षण में 1 तारीख के सायंकाल मोनाली ठाकुर जी की गायन संध्या होगी, 2 तारीख को बीपराग जी द्वारा प्रस्तुति की जाएगी और 3 तारीख को मनोज तिवारी जी एवं अक्षरार सिंह जी द्वारा गायन कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए हमने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, साइंस कॉम्पिटिशन, श्री अन्न प्रतियोगिता एवं अन्य चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। शिल्पग्राम में इस बार प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त बिहार राज्य, झारखंड राज्य और राजस्थान राज्य के भी शिल्पकार आ रहे हैं। लगभग 20 से 25 फूड स्टॉल लग रहे हैं जिसमें जनपद के अनेक जगहों से लोग आ रहे हैं, यथा निचलौल, फरेंदा, परतावल इत्यादि। इसके अलावा हमने ODOP को विशेष बढ़ावा देने के लिए एक पूरा स्टॉल ODOP के हमारे वर्कर्स के लिए जो फर्नीचर बनाते हैं उनको भी दिया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि इस बार जो 4th एडिशन है महाराजगंज महोत्सव का वो सबसे अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त पार्किंग, विद्युत सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ट्रैफिक इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है और मिशन शक्ति पे विशेष जोर देते हुए हम लोग महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पे भी वृहद चर्चा करेंगे महाराजगंज महोत्सव के माध्यम से। मैं आप सभी के माध्यम से जनपद महाराजगंज के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आगे आगामी त्यौहार के समय का और अनुरोध करता हूं कि वो महाराजगंज महोत्सव में आएं और खूब बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद।